हम सबकी राजधानी, ला 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 राजधानी, ओ राजधानी, राजधानी गारमेंट जंक्शन, लेडीज। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कलीम शेख और आप देख रहे हैं आज का सामना न्यूज़ नेटवर्क। नासिक के राष्ट्रवादी भवन राष्ट्रवादी के हेड ऑफिस में पुलिस का कड़क बंदोबस्त लगाया गया है। नासिक के एनसीपी भवन में अजीत पवार और छगन भुजबल के कार्यकर्ते बड़ी संख्या में दाखिल हुए। राष्ट्रवादी पार्टी में दो गट बनने की वजह से नासिक राष्ट्रवादी भवन पर पुलिस का कड़क बंदोबस्त लगाया गया है। कब्जा है उसके ऊपर से राजनीति गरमाई हुई है, आपके ऊपर क्या, उसके ऊपर क्या? कोई राजनीति नहीं है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है। हम सब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम शरद पवार साहब के कार्यकर्ता हैं, हम अजीत पवार साहब भुजबल साहब के कार्यकर्ता हैं, हम सब साथ में हैं। और हम हमेशा से यहाँ इसी कार्यालय से हम पार्टी का काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार गुट के लोगों का कहना है हमारा ये कार्यालय, हम यहाँ पे आ रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कोई गुट है नहीं, और कोई अगर समझ गए समझ है तो हम लोग बैठ के सॉल्व कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सर, कुछ कार्यकर्ता को निलंबन के ऑर्डर आए हुए, कुछ कार्यकर्ता को निलंबन से निकल गया है। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हो यार, और कोई पदाधिकारी हाथ मांग के उनको अधिकार नहीं है निकालने का, और जो अध्यक्ष है उनको फिर से नए अध्यक्ष ने अपॉइंट कर दिए, जिन्होंने निकाला है वो उनका अध्यक्ष नहीं मान। पार्टी एक ही है तो ऐसे कार्यकर्ता को निकाला जा सकता है? समझा नहीं यार। पार्टी एक ही है तो ऐसे पद से निकाला जा सकता है? देखिए, अभी ये राजनीति है और थोड़ी बहुत तो राजनीति होगी, बाकी में सब सेटल होगा। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाए। मराठी तक दोन गट पडलेले आहेत अजित दादांच्या बरोबर, भाजपच्या आता इथून पुढे अजितदादांबरोबर, अजितदादांच्या विचारावरच होतो आम्ही, काही भाजपच्या विरोधात नव्हतो, अजितदादांच्या विचारांवर चालत होतो आणि यापुढेही अजितदादांच्या विचारावर चालत होतो। आज इथे काही बैठक तुम्ही आलेले कार्यालय ताब्यात घेऊन आलो, कार्यालय ताब्यात घेऊन, ऑलरेडी पक्षाचं कार्यालय आहे, आदरणीय भुजबळ साहेबांच्या माध्यमातून, आदरणीय भुजबळ साहेबांच्या प्रयत्नातून या शहरामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची वास्तू या ठिकाणी उभी राहिलेली आहे। मग ह्या वास्तूतूनच पक्षाचं काम इतके दिवस चालू होतं, यापुढेही ह्याच वास्तूतून पक्षाचं काम चालू असणार। पक्ष राष्ट्रवादीच आहे, चिन्हही घड्याळच आहे, राष्ट्रीय अध्यक्षही पवारसाहेबच आहे, पण विचार दादांचे आहेत। मग यावेळेला जर शरद पवार साहेबांनी काही आदेश दिला कार्यालयासंबंधी, तर मग आपण त्याचं पालन करणार का? जसं अजितदादा म्हणतील तसं। शरद पवारांच्या आदेशाला आपण बाजूला सरणार? नेतृत्व मान्य अजितदादांचं केलं तर दादांचा जो निर्णय असेल तो निर्णय अंतिम असेल, शरद पवारांच्या नेतृत्वाला तुम्ही आता मानणार नाही? असं नाही, राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहेबच आहे, पण 100% दादा। आदेश दादांचाच मानणार ना, दादांच्या विचारसरणीवर आम्ही इकडे आलो, दादा म्हणाल तसंच। अजितदादांचा आदेश मानणार, शरद पवारांचं नाही मानणार? अजितदादांचं मानणार ना। नाव? नंदन भास्करे, जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस।